हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को सदैव से ही पूजनीय माना जा रहा है, फिर चाहे वह तुलसी का पौधा हो या केले का पौधा। हिंदू धर्म में एक ऐसा धर्म है जिसमें पेड़ पौधों को केवल पेड़ पौधा ना मानकर उनमें ईश्वर की कल्पना की जाती है। जहाँ तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो वहीं केले के पेड़ में भगवान विष्णु का। यही कारण है आज भी हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को काटना भगवान को नाराज करने के समान माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाने से क्या होता है? हिंदू धर्म में जो महत्व तुलसी के पौधे को प्राप्त है, वह शायद किसी और को नहीं। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होगा, वह धन धान्य की कभी कमी नहीं हो सकती। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। यदि कोई आपका अहित भी करना चाहेगा, तो वह कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब आपने तुलसी के पौधे को अपने घर में पूरे विधि विधान से लगाया हो। तुलसी के पौधे को घर में लगाते समय आपको समय, दिशा और तरीका तीनों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तुलसी का पौधा बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसका चमत्कार तभी देखने को मिलता है जब यह घर में सही स्थान पर लगाया जाए। अधिकांश लोग नहीं जानते कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाया जाए। अगर आप भी उनमें से एक हैं और आप भी नहीं जानते कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाया जाए, तो आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं। तुलसी के पौधे को सदैव घर के आंगन में लगाना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ सुबह होते ही घर के सदस्यों की नज़र इस पर पड़ सके। तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को स्वच्छ स्थान पर ही लगाना चाहिए। गंदगी होने पर तुलसी का पौधा सूख या मुरझा सकता है। तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए? तुलसी का पौधा तब लगाना चाहिए जब अधिक गर्मी या अधिक सर्दी ना हो। अधिक गर्मी या अधिक सर्दी में तुलसी का पौधा लगाने से यह कभी कभी सूख जाता है। इसे आप बरसात के समय लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा सूखने से क्या होता है? जिस तरह से तुलसी का पौधा लगाना घर के लिए शुभ होता है, उसी तरह से तुलसी के पौधे का सूखना घर के लिए अशुभ होता है। कभी कभी हमारे ध्यान रखने के बावजूद तुलसी का पौधा सूख जाता है। माना जाता है तुलसी के पौधे का सूखना किसी आने वाली मुसीबत का संकेत है, लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। तुलसी के पौधे के सूखने का कारण अनुकूल वातावरण का न मिल पाना भी हो सकता है। तुलसी का पौधा सूख जाने पर क्या करें? आज हम आपको बताएंगे कि यदि घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए। यदि घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और घर में कोई दूसरा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखे हुए तुलसी के पौधे को अधिक समय तक घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने वाली बरकत में बाधा उत्पन्न करता है। तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र में दिशा का बहुत महत्व है। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु की एक निश्चित दिशा होती है। यह बात पेड़ पौधों पर भी लागू होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी का पौधा कैसे लगाएं? वैसे तो तुलसी का पौधा जमीन में ही लगाना चाहिए। यदि आपके यहाँ संभव ना हो तो आप तुलसी के पौधे को गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मिट्टी उपजाऊ ही होनी चाहिए। अगर आप तुलसी के पौधे को किसी दूसरी जगह
से खोदकर अपने यहाँ लगा रहे हैं तो पौधे को मिट्टी में उतना ही दबाएं जितना वहाँ पहले मिट्टी के नीचे दबा था। तुलसी का पौधा सपने में देखने से क्या होता है? तुलसी का पौधा सपने में देखना शुभ माना गया है। अगर आप तुलसी का पौधा सपने में देखते हैं तो माना जाता है कि आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है।